मैं दुर्योधन की मृत्यु ना हो और ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, उसको रात के 12 बजे मेरे पास भेज दो। गांधारी ने कहा कि भीष्म पितामह ने तुम्हें बुलाया है, रात के 12 बजे तुम्हें उनके पास जाना है। इधर क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी को बुलाया और कहा कि तू साड़ी वगैरह सब पहन ले और घूंघट ओढ़ना, घूंघट नहीं निकालना। अब घूंघट नहीं निकालते हुए सीधा 12 बजे पहले भीष्म पितामह के पास चले जा। बोले ऐसा क्यों, ये मुख खोल के नमस्कार तो करना होगा, ऐसा आप क्या कह रहे हैं। नहीं नहीं, तू घूंघट ओढ़ के सीधा भीष्म पितामह के पास चले जा। कृष्ण क्यों जानते थे आगे क्या होने वाला है। वो तो द्रौपदी बोली, प्रभु ये क्या कह रहे हैं, वो अगर मैं गई बिना बुलाए रात के 12 बजे गई तो क्या समझेंगे कुछ, तो लोग कुछ भी कहेंगे, मैं तुझे कह रहा हूँ तू जा। द्रौपदी घूंघट ओढ़ के गई, भीष्म बैठे थे कि उन्होंने, वो जैसे ही आई और कृष्ण के चरणों को छुआ, अखंड सौभाग्यवती भव, उन्होंने वचन दे दिया। तो द्रौपदी उठ के चले गई। उसके बाद में दुर्योधन की पत्नी आई, बोले अभी कौन गया था, अभी गया था तो द्रौपदी। बोले कृष्ण की चालाकी, यहाँ कृष्ण को पता था कि अखंड सौभाग्यवती का वर प्राप्त करे तो ये रह जाएंगे। और कृष्ण ने कहा मेरी बात नहीं होगी, तुम्हें पहले बोलने के लिए भूल जाता। द्रौपदी आकर वर ले गई, अब मैं दूसरी बार वर नहीं दे सकता, एक ही बार वर दे सकता हूँ काम को। यानी कृष्ण को इसका ज्ञान था कि आगे क्या होने वाला है, ये क्या ये होने वाला कि ज्ञान के कारण कृष्ण सारे युद्ध को जीत सके। एक बार कृष्ण अपने पुण्य युद्ध के बाद सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे तो ऊपर से यक्ष आ रहा था। यक्ष जाते जाते उसने कहा, वो ऊपर बात करते नहीं देखते हुए उसने ऊपर से थूक दिया, जो कृष्ण के अर्घ्य में उसकी थूक गिर गई। जैसे ही कृष्ण ने देखा कि ऊपर कौन जा रहा है यक्ष, तो हमने उस रथ को एक दिन कहा और तुझे 24 घंटे में मार दूंगा। जब कृष्ण का गुस्सा देखा तो यक्ष डर गया। तो वहाँ आपको पता है, झगड़ा लगाने वाले और तमाशा देखने वाले नारद भगवान जा रहे थे। यक्ष भाग भाग के जल गए, जाके नारद के चरणों में बोले, नारद जी आप मुझे ही बचा सकते हैं, कुछ ना कुछ करो। बोले क्या हुआ, आप पहले बोलो मुझे बचाने का मार्ग बताएंगे, मैं बताऊंगा तो बोल क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी ऊपर से जा रहा था तो ऊपर से थूक दिया कृष्ण के अग्नि में और कृष्ण ने कहा कि मुझे 24 घंटे के अंदर सूर्य उदय से पहले मार देंगे और मैं मरण के भय से डर रहा हूँ। तो नारद थोड़ी देर में, एक बात मेरी, मैं ऐसा कहा हूँ तो नहीं बोलता है कि मैं आगे बोलता हूँ, मैं जो बात बोला हूँ ये बात किसी को नहीं बोला कि मैंने कहा है, नहीं तो बड़ी ये हो कष्ट आ जाएगा मेरे ऊपर। बोले कहो आप क्या करना है। तो यहाँ से सीधा अर्जुन के पास चला जा और बोलना मेरी मैं तुम्हारे शरीर में आया हूँ, मेरी रक्षा करनी, ये नहीं बोलना कि किसके साथ युद्ध है, तू जाओ। वो सीधा वहाँ से निकले, अर्जुन के पास आए, यक्ष आके अर्जुन के चरणों में पड़ गए। अर्जुन ने कहा क्या, किस लिए आए हो, क्या हुआ। बस मेरी रक्षा करो। अरे मैं रक्षा करता हूँ, लेकिन हुआ क्या ये तो बता। हुआ नहीं, आप मुझे वचन दो कि मेरी रक्षा करेंगे, मुझे नहीं मारने देंगे। अर्जुन ने कहा क्षत्रिय हूँ, जो शरण में आया उसकी रक्षा करना है, मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं तेरी रक्षा करता हूँ, बोल आगे क्या हुआ। तो उसने कहा कि मैं ऐसी गलती किया और मैं कृष्ण भगवान ने शपथ ली है कि मैं 24 घंटे में मार दूंगा। अब अर्जुन को प्रश्न पड़ा कि यह क्या हुआ, मैं अब इसको कृष्ण के साथ किस तरह जीऊँ, किस तरह क्या करूँ बात। और कृष्ण ने देखा कि वो यक्ष कहाँ है, तो उनको पता चला कि यक्ष अर्जुन के पास। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तेरे पास जो यक्ष पड़ा है और जिसको तूने वचन दिया है उसको मेरे पास भेज दे, मैं उसको मार दूंगा, उसने मेरे अर्घ्य में स्थान दिया है। आप अर्जुन ने कहा प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं क्षत्रिय हूँ, वो मेरे शरण में आया और मैंने उसे वचन दिया कि मैं उसकी रक्षा करूँगा। अब ये दोनों में झगड़ा, तो कृष्ण ने कहा कि तू युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा, मैं इस बारे में विचार नहीं करता, मैं तुझे पहले मारूंगा, युद्ध में हराऊंगा, बाद में उसको मारूंगा। अर्जुन बोला प्रभु आपकी इच्छा, ये क्या हो रहा है, युद्ध के लिए तैयार हो गए। कृष्ण और अर्जुन का युद्ध जोरों से चल रहा था, नारद तमाशा देख रहे थे, यक्ष बैठा हुआ था। अब इनके दोनों के युद्ध का युद्ध देख कर नारद ने देखने के लिए कहा कि ये क्या हो रहा है। तब भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों ने कहा अगर ये युद्ध ऐसा ही चला तो बहुत ही श्रेष्ठता के साथ इसकी श्रेष्ठता के साथ ये कहीं कुछ किसी न किसी मार्ग में जाएगा आगे और इसका कष्ट सभी को पहुंचाएगा। तब अर्जुन के पास महारुद्र आए और उन्होंने कहा कि तुम इसका चिंतन छोड़ दो अर्जुन। अर्जुन तुम युद्ध जो कृष्ण के साथ कर रहे हो वो युद्ध को युद्ध के लिए तुम अस्त्र शस्त्र डालने से पहले, क्योंकि तुम अस्त्र शस्त्र पहले ही डाल देते हो
तो यक्ष को मार ही देंगे कृष्ण, और यक्ष को मार देंगे तो इस कार्य का, इस युद्ध का कोई मतलब नहीं रहा, तुम शरणागत आए हुए की रक्षा नहीं करने वाले होंगे। तुम्हें एक बात कहता हूँ वो करो, तुम कृष्ण के गुरु सांदीपनी महामुनि को, सांदीपनी महामुनि का को स्मरण करो। अर्जुन ने कृष्ण के गुरु सांदीपनी महामुनि को स्मरण किया और कहा कि प्रभु इससे बचाओ, मैं तो कृष्ण से बहुत प्रेम करता हूँ लेकिन क्षत्रिय हूँ, वचन देने के कारण फंस गया हूँ, इस युद्ध का क्या हुआ। तब सांदीपनी महामुनि कहते हैं कि वो क्षमावान हैं, कृष्ण में तुम्हारे प्रति बहुत प्रेम है, तुम अस्त्र शस्त्र सब छोड़ने से पहले अपने दोनों हाथ उठाकर एक बार कह दो कि श्री कृष्ण पर ब्रह्मणे नमः, जो आपकी इच्छा है वो करो, ऐसा कह दो। जैसा ही अर्जुन ने श्री कृष्ण पर ब्रह्मणे नमः कहते हुए अस्त्र छोड़ दिए, प्रभु पहले मुझे मारो बाद में यक्ष को मारो, ऐसा हाथ उठा दिया, तो कृष्ण शांत हो गए और कहा कि अर्जुन मेरे गुरु का वचन है कि यह मंत्र जो बोलता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, उसको कभी मारता नहीं, अब तूने ये वचन कहाँ से लिया ये मैं नहीं जानता। तो उन्होंने कहा प्रभु आपने ही जब योगेश्वर भगवान बनकर आप पूर्ण अवतार अपना दर्शन अपना महा अवतार बता रहे थे, आप विश्वरूपी हो गए थे, तभी मैंने ये मंत्र आपसे लिया था और मैं आज आपके इस युद्ध में आपको शांत करने के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप अगर मुझे मार दो और यक्ष को, मेरी भी क्षत्रिय की गति रह जाएगी और बाद में वो भी उसको मारना है उचित, क्योंकि शरण आए हुए व्यक्ति को रक्षण करना मेरा काम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आपका अस्त्र मुझ पर चलाएं। तब कृष्ण कहते हैं कि मेरा जो अस्त्र है वो तो मेरा वचन खाली नहीं जाएगा, लेकिन अर्जुन एक बात ज़रूर कहता हूँ कि अब मैं इसका तोड़ इसका विधान निकालता हूँ, क्या यक्ष वृक्ष राजाओं में यानी वृक्ष के राजा, यक्ष के राजा कुबेर हैं और वृक्षों के अधिपति है, इसमें एक वृक्ष है अर्जुन वृक्ष नाम का, तो अब मैं मेरा पहला बाण अर्जुन वृक्ष पर चला देता हूँ और अर्जुन वृक्ष चला जाएगा, मैं तेरी रक्षा करता हूँ। इस प्रकार कृष्ण ने अपने वचन को भी नहीं जाने दिया और अर्जुन की भी रक्षा की और उस यक्ष की भी रक्षा की। ये जो यक्ष वृक्षाधिपति होते हैं, यक्षियों भी वृक्षाधिपति होते हैं, उस वृक्ष की रक्षा की और कृष्ण ने अपना बाण चलाकर उनकी रक्षा करते हुए उधर दोनों को भी रक्षा किया और यक्ष ने आकर अर्जुन की शरण से लाकर कृष्ण के चरणों में नमस्कार किया, बोला तो अर्जुन की शरण में आने के कारण तो बच गया, लेकिन ये बात बता तुझे मेरे पास कौन भेजा है। उन्हें कहा मैं वचन दिया हूँ प्रभु कि इसने ये कौन बचाया नहीं बता सकता। कृष्ण ने देखा वही कलह प्रिय हमारे नारद महामुनि, कहाँ मिले तुझे, जरा मैं उनको ढूंढता हूँ। बोले प्रभु मैं आपके पीछे ही खड़ा हूँ। नारद जी ने कहा कि मैं आपके पीछे ही खड़ा हूँ प्रभु, मैं भी ये नमस्कार करता हूँ श्री कृष्ण पर ब्रह्मणे नमः। हंस गए और कृष्ण ने हंसकर कहा कि मैं नारद ऐसे मत किया करो, अगर ये युद्ध घनघोर होता था तो बाण तुम्हारे ऊपर चलता था, मैं तुम्हें कहता हूँ कि इस बात में हम रक्षा के लिए श्री कृष्ण को श्री कृष्ण पर ब्रह्मणे नमः के इस मंत्र के साथ हम अगर करते हैं तो हमारे जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं है जो कृष्ण ने ही अपने या उनके गुरु ने इस मंत्र को देते हुए अपने लोगों की रक्षा या अपने कष्टों में अपनी सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण आए, क्योंकि वो योगेश्वर थे, उन्होंने विश्वरूप बताकर कहा था सारा विश्व मुझ में समाहित है और मैं जब इस मंत्र को कोई बोलता है मेरे सामने या इसका 1,00,000 मंत्र जप करता है तो मैं उसके जीवन में ये मंत्र बोलते ही मैं उसकी रक्षा करता हूँ, रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ, चाहे वो अपना हो या चाहे पराया, उसने पाप किया हो पुण्य किया हो मैं नहीं देखता, उसकी रक्षा तो मैं निश्चित रूप से करता हूँ। मैं बोलूँ कि अगले वर्ष अगर हम वृंदावन में जाते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन जहाँ राधा और कृष्ण का केली विहार हुआ था अगर वहीं जन्मदिन है तो मैं चाहता हूँ कि उस कृष्ण की कृपा प्राप्त करने से पहले हम भी श्री कृष्ण की 1,00,000 जब करते हुए हम वृंदावन पहुँचे या मथुरा पहुँचे या गोवर्धन पर्वत पहुँचे। आप सभी को यही चाहता हूँ कि उस मंत्र का आप 20 में रोज 50 माला की तरफ से, इस सांदीपनी महामुनि का आश्रम भी उज्जैन में नर्मदा के किनारे ही है और उन्होंने वहीं यह मंत्र दिया था, जो मंत्र 21 दिन में 50 माला के हिसाब से 1,00,000 मंत्र जब श्री कृष्ण परब्रह्म करता है उसको श्री कृष्ण रक्षा करते हैं। जो अब तक मैंने आपको बताया जन्मदिन के दिन मैं एक आपको ये उपहार छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, जो इसका 1,00,000 मंत्र करता है उसके जीवन में परब्रह्म श्री कृष्ण परमात्मा आपकी रक्षा करते हैं। उसका जो विधान है केवल यह है कि हम चंदन की माला से या स्फटिक की माला से
श्री कृष्ण पर ब्रह्म ने महा का जप करें, रोज 50 माला के हिसाब से, ज़्यादा नहीं, छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटे में आपको पूर्ण 50 माला हो जाएंगे। 21 दिन पूर्ण जप कर आप जाइए, जहाँ के भी जाएंगे आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी कष्टों में जूझ गया हूँ, तो कोई ना कोई असंभव सा कार्य भी हो उसको संभव बनाने के लिए श्री कृष्ण परमात्मा आपकी रक्षा करते हैं, रक्षा करें, ऐसा ही विचार करता हुआ यंत्र और माला सिद्ध हूँ। क्यों यंत्र और माला की बात कहता हूँ? क्योंकि आप जहाँ तक है आपका मस्तिष्क एक तरफ से काम नहीं करता, आप पवित्र रहते हैं, हमारा शरीर अपवित्र है, हम शरीर अपवित्र काम करते हैं, अशुद्ध रहते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसी हो, हम देखते हैं अल इलेक्ट्रिकल वायर में कार्बन आ गया तो लाइट नहीं आता, वैसे ही गुरु और तुम्हारे के बीच में एक मंत्र है, मंत्र ही वो वायर है, अगर उसके ऊपर कार्बन आ गया है, मंत्र करते समय हमारे को ये पता नहीं चल गया कि हम एक तरफ मंत्र करते रहते हैं और हमारा विचार पूर्ण ब्रह्मांड में घूमते रहता है, कोई बीवी बुलाई, कोई फ़ोन बुलाया, कोई आया, कर्ण पिशाचिनी है, फ़ोन को कर्ण पिशाचिनी कहा जाता है, वो कान के पास खड़े रहेंगे तो बुलाई बुलाई किसी ने तरह, और हमारे ध्यान भटक जाता है। ऐसे समय में अगर हम इस यंत्र को रखते हैं तो जो शुद्ध है, जो वायर है और हमारे जीवन का, उसके सामने करते हैं और वो यंत्र हमारे पास रखते हैं और मंत्र को करते हैं, तो ये यंत्र और मंत्र उसके साथ साथ हमारी सहायता, वो यंत्र हमारी करते हैं, क्योंकि शुद्धि हमारे पास नहीं, शुद्धि यंत्र में है, प्राण प्रतिष्ठा है, वो मलिन नहीं होता, उसके लिए यंत्र की ज़रूरी रहती है। और उस यंत्र को अगर हम अपने पास रख लेकर हम इस मंत्र का 1,00,000 मंत्र जपते हुए उस कृष्ण यंत्र को अपने पास रख लेते हैं और मंत्र 1,00,000 होने के बाद उस यंत्र को अपने पास रखते हैं, अपने घर में रखते हैं, तो हर प्रकार की रक्षा हम प्राप्त करते हैं। मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में कि आपको भगवान श्री कृष्ण इस मंत्र से आपकी रक्षा करें, ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, वंदनीय माता जी की, गुरुपुत्र गुरुदेव की, समस्त सिद्धाश्रम की, समस्त सिद्धाश्रम साधक परिवार की, बोलो हर हर महान। अब ये तो बात है यार, मेरा जन्मदिन है, मैं ही केक कट करूं, मैं हार डाल लूं, ऐसा नहीं हो सकता। अब आपका कार्यक्रम आगे का आपको करना है, मैं आपको टाइम देता हूं 12 बजे तक आप कार्यक्रम।